श्योपुर जिले में एक प्रेमी जोड़े को घर से भागकर प्रेम विवाह करना पड़ा। शादी के बाद परिजनों द्वारा जान से मारने की धमकी दी गई, जिसके चलते उन्होंने एसपी ऑफिस में आवेदन देकर सुरक्षा की गुहार लगाई है। गढ़ी गांव की रहने वाली 19 वर्षीय रंजना धाकड़ ने कहा कि उसका गोहरा गांव निवासी नरेंद्र धाकड़ से 2 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। अपने प्यार को शादी के बंधन में बांधने के लिए वह 29 अगस्त को वह अपने प्रेमी नरेंद्र के साथ भाग गई, जहां उन्होंने गाजियाबाद पहुंचकर आर्य समाज मंदिर में प्रेम विवाह कर लिया। परिजनों को जब इस रिश्ते के बारे में पता चला तो उन्होंने दोनों को जान से मारने की धमकी देना शुरू कर दी। धमकी के बाद रंजना धाकड़ और नरेंद्र धाकड़ श्योपुर एसपी ऑफिस पहुंचे और एसपी वीरेंद्र जैन से सुरक्षा की गुहार लगाई है। नाम रंजना धाकड़। कौन से गांव से है? गड़ी से। क्या आप लोगों ने शादी कर ली? कर ली। कब करी थी? 30 तारीख। अब यहाँ क्यों आए पुलिस और पुलिस के पास? हमारे घर वाले उनके घर वाले उनको परेशान कर रहे हो। तो क्या चाहते पुलिस से? हम इनके घर वाले सुरक्षित रहे, हम दोनों साथ में रहेंगे। हमारी सुरक्षा बनी। पुलिस वाले ना इनके घर वाले हमें परेशान कर रहे हैं, हमारे रिश्तेदारों को, मम्मी पापा को, सबको परेशान कर रहे हैं। हमने अपनी मर्जी से शादी की है। कौन समाज से हो, कहाँ के रहने वाले? हम धाकड़ समाज से हैं और जब तहसील लगती है, जिला सोप लगता है। मैं गोरा गांव से हूँ, ये गढ़ी गांव से है। अच्छा, ये कब गए थे तुम शादी? हम गए थे 29 तारीख की रात को। 30 तारीख को हमारी शादी हो गई थी गाजियाबाद में आर्य समाज से। उसके बाद फिर हम इधर उधर भटकते रहे और फिर आज हम एसपी ऑफिस आए। क्यों आए? न्याय लेने के लिए। न्याय तो मिल गया ना? तो अभी वहां तो परेशान हो रहे हैं ना, यहाँ कहीं रुकने नहीं दे रहे हैं। सुरक्षा चाहते हैं जी? मैं हमारे घर वालों की सुरक्षा। श्योपुर से पंकज श्रीवास की रिपोर्ट।